गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है, ताकि क्लास शुरू की जा सके। सभी लोग फटाफट बताइए। मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथ पराग द्वीप और जी इंदिरा रेड्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भैया बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग जरा एक सेकेंड फटाफट बताइए। हाँ बताइए सभी लोग कौन कौन जुड़ गया भाई, ताकि क्लास को शुरू किया जा सके फटाफट। जी इंदिरा रेड्डी, पराग द्वीप और कौन जुड़ा है भाई, सब लोग बताओ मेरे लाल। एक सेकेंड, मैं क्लास को तब तक सबको शेयर कर दूं। मैंने सबको शेयर कर दिया है मेरे लाल। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मेरे लाल। गुड परफॉर्मेंस। आप भी करो सर, मैं कर दिया हूं। जी इंदिरा रेड्डी बरकरार हो। राउडी राजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राउडी राजा, गुड परफॉर्मेंस है जी, गुड परफॉर्मेंस मेरे लाल, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। सबको फटाफट शेयर कर दो, क्लास शुरू की जाए। देखिए क्रैक एसएससी एग्जाम विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को जानकारी की बात बता दें, अनअकैडमी पे दो मेरी फ्री स्पेशल क्लास चलती हैं। एक आपको 1 बजे मेरी फ्री स्पेशल क्लास मिलेगी और दूसरी जो क्लास मिलती है वो आपको मिलेगी 10 बजे रात में। तो आप सभी लोग हमारे साथ रेगुलर क्लास में जुड़िए। ये दोनों PM की 1 बजे दोपहर में मिलेगी बच्चा, और ये जो 10 बजे ये रात में मिलेगी, यानी कि नाइट में, जो जस्ट अभी इसके बाद होगी। रिचा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ जी इंदिरा रेड्डी, मैं भी शेयर किया है सर, गुड परफॉर्मेंस। सब लोगों ने शेयर किया है, सब लोग शेयर करते रहिए। और अब देखिए क्रैक एसएससी एग्जाम विथ इंडियाज लार्जेस्ट, तो यहाँ पे लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम पे हमें देख पा रहे हो। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम, दिस इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, अनअकैडमी का पार्ट है। यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल बच्चा ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे आप सभी लोगों को मेरे वीडियो के क्लासेस का लिंक मिलता रहता है और आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिंक मिलेगा, आप क्लास कर सकते हो। सब लोग यहाँ पे अनअकैडमी पे 19 तारीख से बैच बहुत सारे स्टार्ट हुए हैं, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं बॉटनी भी पढ़ा रहा हूँ। बॉटनी की अगर बात करें तो 7:45 यानी कि 7:45 पे ये क्लास लेना शुरू करते हैं। कब लेना शुरू करते हैं? 7:45। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग जान लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे अगर बात करें तो यूज कोड पोरवाल 10 कोड का यूज करके, रानी यादव भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पोरवाल 10 कोड लगाइए और करोड़पति बनिए, क्योंकि 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है। यहाँ पे अगर एडमिशन लेना चाहते हो बेटा तो आप जानते हो 1 साल की फीस 6500 रुपये है। जब इस पे रिफरल कोड पोरवाल 10 लगाओगे तो आपको 5850 मिलेगी, और जो ये है ये 7020 की पड़ेगी। चलिए भाई पहला क्वेश्चन फटाफट शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। लो भोलेनाथ का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। बोलो भोलेनाथ की भाई, चलिए भोलेनाथ का जयकारा लगाइए और शुरू करते हैं। इस वक्त देख रहे हो हमारा, हम यहाँ पे हाथ ले जाते हैं, हमको लगता है सदा बाहर वन छाए हुए, लेकिन जब हाथ पहुंचता तो इधर क्या खाली मरुस्थलीकरण नहीं हुआ है, बाकी सब पर्ण पाती वन में तब्दील है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है, बताओ आंसर। बहुत अच्छे, लिखा है प्रतिरक्षण तकनीकी। बच्चा जरा हम क्या कहते हैं ये भी कर दे, क्योंकि
तो देखो भैया, तो यहाँ पे अगर बात करें प्रतिरक्षण तकनीकी की, अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरक्षण तकनीकी की अगर बात करें तो लिखा है किसने विकसित किया था, तो प्रतिरक्षण तकनीकी बच्चा जो विकसित की गई थी, ये बच्चा अगर बात करें तो सबसे पहले विकसित करने वाले जो साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला सही जवाब किसका है। सबसे पहला सही जवाब जो आया है इसमें भाई, किसी का नहीं आया। यहाँ पे अगर बात करें तो लुईस पाश्चर जो है, लुईस पाश्चर का नाम सुना है, इन्होंने प्रतिरक्षा तकनीकी को क्या किया था, विकसित किया था, लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर साहब जो थे, इन्होंने प्रतिरक्षा तकनीक को क्या किया, विकसित किया था। तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। प्रीति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, देवी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। सब लोग बच्चा शेयर करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। इस विज्ञान इसका जनक भी इनको माना जाता है, लुईस पाश्चर। इनका काम क्या, प्रतिरक्षा तंत्र जो है इसी को बच्चा इम्यूनाइजेशन टेक्निक बोलते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी का जो बड़ा क्रेज चल रहा है, जो इम्यूनिटी का खेल चल रहा है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी होनी चाहिए, तो उस इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो वो इम्यूनिटी क्या है, उस इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसका, इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रतिरक्षण तकनीक का। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, अमीटर, ठीक, वोल्ट मीटर या एनीमोमीटर या वाट मीटर। तो सब लोग आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग आंसर बताइए, ठीक। विद्युत धारा किससे मापते हैं, देखते हैं भाई सबसे पहला सही जवाब क्या होगा। विद्युत धारा यानी कि क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का सबसे पहला सही जवाब जो आ गया है पराग द्वीप का आ गया। राहुल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल साहब जी कमाल हो गया बच्चा, रावड़ी राठौर आ बता रहे हैं, गुड परफॉर्मेंस, आ आ आ किसको भैया बुला रहे हो। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे अमीटर है, क्या है बच्चा, अमीटर है। अमीटर की अगर बात करते हैं, ऐसा भाई आ आ आ ना बोलो क्योंकि ये आवाजें खतरनाक हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें अमीटर, अमीटर से क्या किया जाता है, मेरा है ना सर, देखते हैं, गई भैंस पानी में, नहीं मेरे लाल, तुम्हारा जस्ट उनके नीचे है बच्चा। तो इसलिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसका सही जवाब अमीटर होगा, जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है, कैसी राशि है बच्चा, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब यह होता है स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, कमाल हो गया, वो नहीं आएगी, गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अदिश राशि है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसका मात्रक जानते हो क्या होता है, मात्रक की अगर बात करें तो एम्पियर होता है, ए एम्पी लिख दो, यही बहुत है। अगला क्वेश्चन मेरे लाल, देखो सभी लोग आंसर लिखा, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा या सी वाकेशमैन के द्वारा, लुईस पाश्चर के द्वारा, ये फ्लेमिंग के द्वारा। तो सभी लोग आंसर बताइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे पहले आंसर देखते हैं किसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे पहला सही जवाब जो आया है वो किसका आया है, क्वेश्चन नंबर थ्री, कमाल हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे पहला सही जवाब आया पराग द्वीप का। अरे मेरे लाल, अब तो कमाल हो गया, पराग द्वीप छाए हुए हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर बात करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने ही क्या किया था, पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। पहली एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब की गई थी, तो इसकी अगर बात करें तो 1928 में, 1928 में खोजी गई थी। एंटीबायोटिक कौन सी थी, उसका नाम क्या था, उस एंटीबायोटिक का नाम था पेंसिलिन। क्या नाम था बच्चा, पेंसिलिन। देखिए एंटीबायोटिक आखिर कहा किसको जाता है, ये भी सवाल है। एंटीबायोटिक उसको कहा जाता है जो ज्यादा इफेक्टिव होती है बैक्टीरियल डिजीज में, हालांकि बैक्टीरियल डिजीज में, फंगस डिजीज में एंटीबायोटिक को दिया जा सकता है, एंटीबायोटिक को कभी भी वायरस डिजीज में नहीं दिया जाता है।
इसलिए जब कभी आप डेंगू से ग्रसित होते हैं या जब आप कभी कोरोना से ग्रसित हो जाएं तो आपको कभी भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाएगी। केवल और केवल बैक्टीरियल और फंगल डिजीज जैसे में एंटीबायोटिक आपको पकड़ाई जाती है। और इस एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। अगला क्वेश्चन बच्चा देखो, लिखा है इसकी खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल प्राइज दिया गया। वाक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसकी खोज के लिए बच्चा इनको वाक्समैन को बच्चा नोबेल प्राइज दिया गया था। वाक्समैन को लिखा स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमास्टीन, नियोमाइसिन, पेंसिलिन। देखें भैया सबसे पहला सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, कमाल हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर फोर की अगर बात करें तो देखते हैं सही जवाब किसका है। क्वेश्चन नंबर फोर का सबसे पहले सही जवाब जो आया है वो आया है मधुरिया एमएसडी का। गुड परफॉर्मेंस मधुरिया एमएसडी जो है उनकी अगर बात करें, देखो हमारा नाम नहीं बदला है, हम इनको आज भी मधुरिया बोल रहे हैं। तो मधुरिया, मधुरज्या वैसे नाम है। मधुरिया एमएसडी की अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है बच्चा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को पहली बार इन्होंने क्या किया था, खोजा था ठीक वाक्समैन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है तपेदिक जानते हो बच्चा, क्या तपेदिक, तपेदिक में ये लगाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसकी खोज के लिए इनको 1952 में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबल प्राइज जानते हो तुम लोग, आपके मुंह में अच्छा लग रहा है, गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे नोबल प्राइज कब दिया गया, 1952 में दिया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, लिखा है रेडियो धर्मिता की खोज इनके द्वारा हुई थी। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई बैकुलर के द्वारा, सॉडी के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, क्यूरी के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी। कमाल हो गया, क्वेश्चन नंबर फाइव, बहुत बहुत कमाल हो गया भैया, अब तो छा गया मामला। सबसे पहला सही जवाब जो आया है वो आया है देवांश मिश्रा का। देवांश मिश्रा की अगर बात करें, देवांश मिश्रा के हिसाब से वैकुलर साहब हैं। वैकुलर साहब जो थे, वैक्यूरल इनका नाम पढ़ा जाता, वैक्यूरल। वैक्यूरल साहब जो थे इनकी अगर बात करें तो इन्होंने 1896 में, यानी कि 1896 में, 1896 में रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। ये जब खोज हुई थी तो एक यूरेनियम के टुकड़े पर खोज की गई थी। किस पे खोज की गई थी, यूरेनियम के टुकड़े पे। बहुत अच्छे, कमाल हो गया, हेनरी वैकुलर। तो यहाँ पे इनको खोज किया गया था यूरेनियम के टुकड़े से। फोटोग्राफिक प्लेटों पर इसका चित्र बनाया गया। मैडम क्यूरी जो थी उन्होंने भी क्या किया था, कृत्रिम रूप से खोज कर रही थी वो। उन्होंने कृत्रिम रूप से एक तत्व विकसित किया था जिसका नाम था रेडियम। रेडियम से इतनी तेज गामा किरणें निकली, ये दोनों पति पत्नी दोनों लगे थे। दोनों लगे मतलब ये नहीं कि पति पत्नी दोनों लगे थे मतलब प्रपंच कर रहे थे या कुछ कहीं और लगे थे, यानी कि खोज करने में लगे थे। और वहीं पर उसी से इतनी ज्यादा गामा किरणें निकली कि उसमें क्या हो गई, मौत हो गई। सर ए एंड डी दोनों होगा, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। इनको भी रेडियो धर्मिता की खोज का श्रेय दिया जाता है ठीक, इसीलिए हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई। दिवस ट्रांसक्रिप्शन एंड डिस्कवर्ड बाय ठीक, बीटल टेटम या वाटसन क्रिक के द्वारा, टेमिन बाल्टीमोर के द्वारा, हर गोविंद खुराना के द्वारा। तो सब लोग आंसर बताओ बच्चा। इसकी अगर बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे वैसे क्या कहते हैं, इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सबसे पहला करेक्ट आंसर किसके द्वारा दिया गया है। इसमें पराग द्वीप ने सबसे पहले सही जवाब बताया है। पराग द्वीप का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर बात करें टेमिन और बाल्टीमोर, टेमन और बाल्टीमोर, इसके अलावा मार्टिन, हार्वर्ड मार्टिन, हार्वर्ड मार्टिन, टेमिन और बाल्टीमोर जो थे ये
ये दोनों जापानी एक भीषण पे जापानी वायरस पे क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। वहीं से ट्रांसक्रिप्शन की चीज का पता लगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन ये थ्योरी ना आई होती तो आज कोरोना वायरस को पता करना मुश्किल पड़ जाता, क्योंकि क्रिप्शन जो क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक होता प्रतिवर्ती। तो होता क्या है, जितने आरएनए वायरस होते हैं, यानी कि आरएनए किसी भी वायरस के डीएनए से पता लगाया जा सकता है। तो आरएनए वायरस को क्या किया जाता है, सबसे पहले उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हम क्या कहते हैं, पता लगा लेते हैं उनके गुणों का पता लगा। तो कोरोना वायरस अगर पता चलता है तो इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ भी है। समझ में आई बात? देखो मेरे लाल, बहुत अच्छे आदित्य सिंह, खुश रहो मेरे लाल, कहाँ गायब हो गए थे, हम जान रहे थे तुम दूसरे की क्लास कर रहे थे, हमारी क्लास नहीं कर रहे थे। सब लोग बच्चा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो मेरे लाल, सब लोग। ये देखो कोई जुड़ते जुड़ते हमें डिसलाइक करके चला गया, हे भगवान, बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, फाइकोलॉजी इज आ स्टडी। हे भगवान, शैवाल विज्ञान, देखो क्वेश्चन भी लिखा है आंसर भी लिखा। यहाँ पे अगर बात करें, देख लो बच्चा, एल्गी का है, किसका है, एल्गी का। यहाँ पे ये क्वेश्चन हिंदी में है, इंग्लिश में आंसर लिखा, देखो लिखा शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता, या फाइकोलॉजी द स्टडी ऑफ, ठीक, फाइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है किसका, एल्गी का। एल्गी क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। सर इनको गोली मारो, गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर बात करें तो शैवाल, इसकी अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, हमको भी यही लगता है, जय हो, गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे शैवालों का अध्ययन कहलाता है ये। शैवाल की अगर हम बात करते हैं तो शैवाल नदियों में, ताजे पानी में बेसिकली पाए जाते हैं। ताजे पानी में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी जगह, जैसे नदी हो गया, झरना हो गया, इन सब जगह पे आपको शैवाल देखने को मिलेंगे। मनस ज्योति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर मेरी माफी चाहेंगे पर अर्पित सर की क्लास 10 मिनट डिले हो गई थी। कोई बात नहीं मेरे लाल, अगला क्वेश्चन देखो, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। आज सारे आविष्कार चल रहे हैं इस वक्त, देखो भाई तुम लोग को आविष्कारक बना देते हैं, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो ये कई वीडियो में धमाका हो जाएगा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर, ठीक, गिल्टे ने, ग्लिट ने, ठीक, ग्लिटे ने, या स्टेप चेयर ने, या स्टेप जॉब ने, लार स्ट्रास ने, सभी लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो सबसे पहला सही जवाब किसका है, पराग द्वीप का सबसे पहला करेक्ट आंसर आ गया है, कमाल हो गया मेरे लाल। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, जीलेट का, जीलेट लिखा, क्या लिखा, जीलेट, जीलेट जिससे तुम बच्चा क्या दाढ़ी बनाते हो, सेफ्टी रेजर, सेफ्टी रेजर उसी जीलेट को कहते हैं। तो जीलेट ने आविष्कार किया था सेफ्टी रेजर का। आप देखो कब, उसमें कहता था चाहे जैसे ऐसे बनाओ दाढ़ी, कोई दिक्कत नहीं होती, कट नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसमें सेफ्टी बहुत होती। तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, जीलेट, और कंपनी का नाम भी क्या दे दिया गया, जीलेट नाम दे दिया गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिलेट गार्ड, गुड परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, आदित्य सिंह बहुत अच्छे, देखते हैं सबसे पहला सही जवाब। लिखा जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम है, जीन शब्द को गढ़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम है। तो इसका सही जवाब है परागद्वीप का, बिल्कुल। यहाँ पे अगर देखें तो सही जवाब यही होगा, ग्रेगर जान मेंडल जो है, ग्रेगर जान मेंडल की अगर हम बात करें तो, ग्रेगर जान मेंडल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, ग्रेगर जान मेंडल साहब जो थे उनकी अगर बात करें तो, ग्रेगर जान मेंडल की अगर हम बात करें तो, ग्रेगर जान मेंडल साहब जो थे उन्होंने क्या किया था,
सबसे पहले जीन शब्द के बारे में बताया था। जीन शब्द जो है, जीन का काम क्या है? जीन की अगर हम बात करें तो जीन शब्द जो है वो मात यानी कि बच्चों में, यानी कि संतानों में, चाहे संतान गधे की हो, चाहे संतान घोड़े की हो, चाहे संतान तुम्हारी हो, चाहे पड़ोसी की हो, संतानों में माँ बाप के गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। जीन के कारण उनकी शक्ल सूरत, जीन के कारण उनका बिहेवियर सब कुछ अलग होता है। हम सब लोग एक जात के हैं। हम सब लोग कौन सी जात के हैं भैया? अब तुम सोच रहे हो, नहीं गुरु जी, हम सिंह साहब हैं, हम वर्मा साहब हैं, आज बायो क्यों लाया है सर? इस बायो कहाँ लाए हैं? बायो के कुछ क्वेश्चन है, मिसलेनियस है। तो इसकी अगर बात करें तो देखिए, हम सब लोग एक अगर देखें तो मानव जाति के, लेकिन हम सबकी शकल, हम सबकी लंबाई, कदकाठी, हर चीज क्या है, अलग है। किसके कारण? जीन डिफरेंस होने के कारण, यानी कि जीन बदल गए, इसलिए हम सब लोग क्या हैं, अलग दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज मेजर्ड बाई प्रेशर। बताओ बच्चा, एनेमोमीटर, एनेराइड, बैरोमीटर, ठीक, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर। देखो बच्चा, दाब की अगर बात करें, गुड परफॉर्मेंस, कमाल हो गया, सबसे पहला सही जवाब आ चुका है। सब लोग आंसर बताओ मेरे लाल। इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या है? एनेरॉयड है। क्या है बच्चा? एनेरॉयड और बैरोमीटर, ये दोनों ऐसे यंत्र हैं जिनसे दाब को क्या किया जाता है, मापा जाता है। इससे कौन से दाब को मापते हैं? तो इससे बच्चा वायु दाब को मापते हैं। किससे? वायु दाब को, यानी कि एयर प्रेशर जो होता है उसको मापा जाता है। एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, क्वेश्चन जानते हो, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पहाड़ों पर खाना आसानी से क्यों नहीं पकता है? इसका सवाल, आप सवाल का जवाब बताइए। पहाड़ों पर खाना आसानी से क्यों नहीं पकता है? बता सकते हो इसका जवाब क्या होगा? एक तो कमेंट देखने के चक्कर में हमारी आंखें तो दब जाती हैं, ऐसा लगता है हम सो रहे हैं, हमको नीचे कमेंट देखना पड़ता है। जैसे हम आंखें ऐसा करते हैं, तुरंत क्या कहते हैं कि मोबाइल में कमेंट देखते हैं, तुरंत आंखें दब जाती हैं। बहुत अच्छे, प्रेशर की कमी है बच्चा, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जान लो बच्चा, वायु दाब, हाँ, अरे अरे कमाल हो गया, वाह 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 वाह। ऑक्सीजन नहीं वहां पे, ऑक्सीजन तुम्हारो गोली, नाइट्रोजन तक नहीं है, हर प्रेशर की वहां पे क्या है बच्चा, कमी है। एक अब तुमको बता देते हैं, वहां पे पहाड़ों पर एयर प्रेशर नहीं, इसलिए खाना नहीं बना सकते। इसलिए पहाड़ों पर कभी घूमने जाओ तो पतेला, भगौना, इनको सबको लेकर ना जाओ, क्योंकि खाना वहां बनेगा नहीं। वाह बच्चा, लखीमपुर भाई, कौन बच्चा लखीमपुर, कौन भाई है यहाँ पे? तो लखीमपुर भाई, कौन लखीमपुर? तो यहाँ पे अगर बात करें, कहाँ उनको प्यार नहीं मिलता? प्यार नहीं, सुन लो, तो ऐसी जगह अगर आप जाते हो तो ध्यान दो, सब लोग को बता देते हैं, अगर ऐसी जगह आप जाते हो तो निश्चित रूप से आप प्रेशर कुकर लेकर जाएं। प्रेशर कुकर कहता है कि हम ऐसे वायु दाब आपको नहीं मानते हैं, हम अपना वायु दाब खुद बनाते हैं। मधुरिया एमएसटी, लखीमपुर, कौन से लखीमपुर में रहते हो बच्चा? कौन सा स्टेट है तुम्हारा? मदरज्जा, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी तो मेरा भी डिस्ट्रिक्ट है। वैसे मेरा भी बर्थ प्लेस लखीमपुर खीरी, लेकिन यूपी का लखीमपुर खीरी, जो यूपी का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि। तो कुकर लेके जाइए बच्चा, कुकर की अगर बात करें तो कुकर में ही खाना पकेगा। तुम लोग को दो बातें सुना देते हैं, सुनना चाहोगे? अरे दो शायरी याद आ गई कुकर को देख के। शायरी क्या बहुत पहले रेडियो पे सुनाते थे, हे भगवान, गई 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 गई, एक सेकेंड वेट करो भाई, सर का नेट स्लो है या मन आपने को, नेट स्लो आंसर है, चल जाओ यार मेरे लाल।
चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया। नेट स्लो नहीं था मेरे लाल, नेट स्लो की अगर बात करें तो मैं 720 पे चलाता हूँ। सब लोग जुड़े हो बच्चा, क्लास नहीं देख पा रहा हूँ सर। बोर्ड परफॉर्मेंस अब दिखने लगी होगी, बोलो आवाज आई एक बार, सब लोग बोलो, सबके यहाँ बफरिंग खत्म हुई। सर्वर कभी कभी क्या होता है, डाउन हो जाता है। सर्वर कभी कभी क्या होता है, डाउन हो जाता है। सबको बच्चा बताओ आई, तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे, सबको आवाज आना शुरू हुई, सब लोग हमसे कनेक्ट हो गए, बोलो मेरे लाल, सभी लोग कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि अगर पहाड़ों पर जाते हो तो आप कुकर लेके जाइए। क्या लेके जाइए, कुकर लेकर जाइए। क्या लेकर जाइए, कुकर लेकर जाइए। तो कुकर पे दो लाइनें तुम लोग को सुनाने वाला था, सुन लो। कुकर ने कहा कढ़ाई से, सुनो, कुकर और कढ़ाई की बातचीत हो रही थी। तो कुकर ने कहा कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, ऊपर से भी काली है और नीचे से भी काली है। कढ़ाई गुस्से में आ जाती है, कढ़ाई कहती है, सुन कुकर, अपने गोरे मुखड़े पे इतना क्यों इतराता है, अगर मैं काली हूं तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है। देखो कुकर सीटी बजाता नहीं, बजाता है। तो सबके पास आज के दौर में, सबके पास हर किसी का जवाब होता है, बस ये अलग बात है कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करता हो तो कोई जवाब ना देना चाहता हो। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अगर बात करें, हाँ, तो इसका सही जवाब जो होगा बच्चा, तो ये अगर बात करें कुकर, कुकर लेकर जाते हो तो आपको ऐसा नहीं होगा। मैं भी सुना हूँ सर, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे। अरे मेरे लाल, मनस ज्योति, मनस ज्योति बच्चा, ये आप जो गुजराती या तमिलनाडु भाषा लिख के भेज रहे हो, मेरे लाल मुझे दो ही भाषा समझ आ सकती हैं, एक तो हिंदी और दूसरी इंग्लिश। ठीक, तो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में कोई एक कमेंट कर सकते हो, हम समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? बताओ बच्चा, देखते हैं इसका सही जवाब की अगर बात करें, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। गुड परफॉर्मेंस, अपना दिल लेके तो मार्केट में एक जगह ठेला पे रख के बेचो, कोई दिल पूछने वाला नहीं। आज के बाजारों में, अब शायरी ना सुनाए तुम लोग को, ठीक, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, क्लास भी हो जाए। ठीक, कभी कभी मूड आता है तो मन होता खूब सारी शायरी सुना दो। चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें पूछा गया है, तो इसकी अगर बात करें तो ये सही जवाब इसका है मैक्सवेल, यानी कि सबसे पहला करेक्ट आंसर जो है राउडी राजा का है। कमाल हो गया भैया, इसका राउडी राजा का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कमाल ही कमाल हो गया। तो इसकी अगर बात करें, मैक्सवेल जो डेनमार्क के थे बच्चा, ये बच्चा बहुत बड़े रसायन विज्ञान में शास्त्री थे और भौतिक विज्ञान में भी शास्त्री थे। ठीक, बहुत बड़े थे, इसलिए आप सभी लोग क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा मैक्सवेल। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन, सर मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास की, क्लास भी की, गुड परफॉर्मेंस प्रीति चौरसिया। तो प्रीति चौरसिया तो जानती, हंसते हंसते पेट फूल जाता है क्लास में है। अगला क्वेश्चन है, लिखा एरेनियोलॉजी का अध्ययन, एरेनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रियरिंग ऑफ बीस, स्टडी ऑफ एफिड्स, स्टडी ऑफ माइट्स, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, किसका अध्ययन कहलाता है एरेनियोलॉजी? एरेनियोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन करा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का देख लेते हैं भाई। सबसे पहला सही जवाब जो आया रावड़ी राजा, कमाल हो गया भाई। यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें बच्चा शिट, ठीक, तो इसकी अगर बात करें, माफी चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, एरेनियोलॉजी जो है, ये शब्द याद कर लीजिए, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? स्पाइडर्स यानी कि मकड़ियों का अध्ययन है। मकड़ी जानते हो बच्चा, बवाल हो गया भैया, बवाल कट गया, हो नहीं गया, बवाल कट गया। ठीक है,
अच्छे। स्पाइडर मैन का अध्ययन नहीं होता है, स्पाइडर का अध्ययन होता मेरे लाल मधुरिया। स्पाइडर मैन नहीं, स्पाइडर आदमियों का अध्ययन कब से होने लगा? ठीक, अगला क्वेश्चन। आदमी पर तो खाली कोरोना का अध्ययन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे लाल, देखते हैं सबसे पहला सही जवाब क्या होगा। लिखा, क्षेत्र मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्लानियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर हाइट एंड रीजन, ठीक, डायरेक्शन, रोड एंड डिस्टेंस, एरियाज। तो क्षेत्र मापी का यूज किसके लिए करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर किसका आया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर सबसे पहले जो आ गया है वो राहुल साहा का आंसर आया है। राहुल साहा इज करेक्ट आंसर। कमाल हो गया मेरे लाल। तो ये बच्चा जो आपका क्षेत्र मापी होता है, प्लेन मीटर जो होता है, प्लेन मीटर से एरिया मापी जाती है, यानी कि क्षेत्र मापी से याद रखो क्षेत्रफल मापेंगे। क्या मापेंगे बच्चा? क्षेत्रफल मापेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा माधुरी नहीं बोलो, आई एम अ बॉय। काहे भैया तुम लोग मौज ले रहे हो? माधुरी ना बोलो भैया, वो बॉय है। काहे तुम लोग चलते फिरते आदमी जेंडर बदल देना चाहते हो? है बहुत मौज ले रहे हो। लिखा, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन वाज इन्वेंटेड बाई, ठीक, चार्ल्स डेवी डाइमलर डीजल। तो बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा? ठीक, गैस इंजन का, ठीक। तो गैस इंजन की अगर बात करें तो गैस इंजन की खोज किसने की थी? देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब जो होगा वो क्या है भाई? सबसे पहले सही जवाब, सबसे पहले सही जवाब राउडी राजा का आया है, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 का शिखा शिल्पा भी हमारे साथ जुड़ गई। तो डैमलर साहब जो थे, डैमलर साहब ने क्या की थी? गैस इंजन का आविष्कार किया था। तो गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डैमलर, गॉल्टियप डैमलर इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1885 में गैसोलीन इंजन का निर्माण किया था, आविष्कार किया था, ठीक। तो यहाँ पे गैस इंजन जो है वो डैमलर साहब ने बनाया था। यंजे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, लिखा, वेंट्री मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वेंट्री मीटर इज यूज ऑफ मेजर रेट ऑफ फ्लो लिक्विड, लिक्विड प्रेशर, सरफेस टेंशन, लिक्विड डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 का सबसे पहला सही जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का सबसे पहले करेक्ट आंसर जो आया है पराग्दीप का आ गया है। पराग्दीप 15 का आंसर दिया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 का पराग्दीप का आंसर करेक्ट है। रेट ऑफ फ्लो लिक्विड जो है, फ्लो लिक्विड का फ्लो जो होता है उसी को, यानी कि उसी को कहा जाता, नहीं बच्चा, रेट ऑफ फ्लो लिक्विड, लिक्विड के फ्लो का जो रेट रिकॉर्ड किया जाता है वो वेंट्री मीटर से रिकॉर्ड किया जाता है। किससे रिकॉर्ड करते हैं? वेंट्री मीटर से। बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन? लिखा है टिम, बताओ बच्चा, टिम बर्नर्स ली या रेमंड सैमुअल टॉमिंसन या कुक हॉल ने या मार्टिन कूपर ने? सब लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं सबसे पहला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर किसका? तो ये इसका सबसे पहले सही जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का राउडी राजा का आ गया। राउडी राजा, बिल्कुल, मार्टिन कूपर जो थे इन्होंने ही सबसे पहली बार क्या बनाया था बच्चा? फोन बनाया था, मोबाइल फोन बनाया था मार्टिन कूपर ने। कब बनाया था? 1973 में। कब बना था? 1973 में। कौन
सी कंपनी का बना था? मोटोरोला। कौन सा कंपनी बच्चा? मोटोरोला। जिस मोटोरोला फोन, मोटोरोला ही फोन समझ लीजिए पूरी दुनिया की क्या है, जन्म जन्म दिया किसने? मोटोरोला ने जन्म दिया था बच्चा। बहुत अच्छे, मोटोरोला सबसे पहले एक इतना बड़ा फोन आता था छोटका सा, मोटोरोला बहुत मजबूत। पहले के फोन क्या थे, ऐसा लगता लोहे के बने, छत से नीचे गिर जाए फिर नीचे आओ उठाओ फिर बात करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आज की डेट में अगर बात करें, आज की डेट में फोन फोन नहीं फुसकी हो गए हैं, उनको पता चले कहीं छुआ दो तो वही फ्यूज हो गए। तो क्योंकि आज के डेट के फोन जो है वो बहुत दिक्कत वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफ इज द साइंस ऑफ रिवर्स का, अर्थक्वेक का, वोल्केनोस का, माउंटेन्स का। सिस्मोग्राफ बच्चा बताओ। सिस्मोग्राफ की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर देखते हैं भैया। सबसे पहला सिस्मोग्राफ की अगर बात करें तो सिस्मोग्राफ का करेक्ट आंसर देवांश का है। देवांश, अरे ऐसा ना बोलिए, किसी को बुरा लग सकता है। किसको बुरा लग सकता है बच्चा? तो इसकी अगर बात करें, कुमार दीपक भी जुड़ गए हैं। अर्थक्वेक जो है इसको बच्चा सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है। मैं जरा एक चीज और देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि 14 लोग जुड़े हैं, 18-20 लोग भी पहुंच गए थे, लेकिन अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है, इसलिए सब लोग मेरे लाल लाइक जरूर करें। अच्छा, तो यहाँ पे देखो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की अगर बात करें तो ये सिस्मोग्राफ, यहाँ से अर्थक्वेक जो होता है इससे निकलती है बच्चा सिस्मिक वेव। कौन सी निकलती है बच्चा? सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव निकलती है यानी कि इनको सिस्मिक वेव ही बोला जाता है, और इन वेव को रिकॉर्ड करने का काम जो होता है वो सिस्मोग्राफ का होता है। ठीक, लेकिन इनका स्केल किस में बताया जाता है, कितनी ताकतवर थी? तो ताकतवर इनकी बताई जाती है इंटेंसिटी में। किस में बताते हैं? इंटेंसिटी में, सॉरी इंटेंसिटी में। किस में बताते हैं? इंटेंसिटी में, सॉरी। तो इंटेंसिटी जो है उसमें रिकॉर्ड की जाती। जैसे 2015 में भूकंप आया था, रोहित जी सॉरी, गुड परफॉर्मेंस। कौन रोहित भैया जुड़े हैं, हम भी देखें रोहित भैया को। कहाँ रोहित हो मेरे लाल, जरा अपना दिखाओ मेरे लाल। राहुल साहा जुड़े हैं, रोहित तो कोई नहीं जुड़े। रोहित जी सॉरी, रोहित शर्मा यहाँ देखने आ रहे हैं, ऐसा लगता है रोहित शर्मा एसएससी के लेक्चर देखेंगे आके तो तुम्हारी सवारी वहां तक पहुंचेगी। अरे रोहित शर्मा जुड़े हुए हैं मेरे लाल, कमाल हो गया। हम सोचे रोहित शर्मा क्रिकेटर की बात हो रही, अब तो भाई कमाल हो गया, अब कमाल हो गया। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो सबसे पहले करेक्ट आंसर देखते हैं किसका है। सबसे पहले करेक्ट आंसर जो आया वो किसका है? लिखा लाइसोमीटर। निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? द लाइसोमीटर हेल्प इन द इमोशंस एस्टिमेशन, सॉरी इमोशन लिखा, इवैपोट्रांसपायरेशन है, इवैपोट्रांसपायरेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेपर प्रेशर, विंड डायरेक्शन। तो देखते हैं मेरे लाल सबसे सही जवाब इसका किसका होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो इसका सबसे सही जवाब किसका आया है? और सबसे पहले सही जवाब, सबसे सही जवाब जो आया है सबसे पहले पराग्वीप का आया है। सब लोग बच्चा, कीर्ति त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गई। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हो सब लोग बच्चा क्या कहते हैं इसका याद रखिएगा, इवैपोट्रांसपायरेशन जो होता है उसकी, उसको मतलब उसी का अनुमान लगाने के लिए लाइसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सब लोग मेरे लाल, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग जुड़े हो सब लोग सेशन को लाइक कर दो मेरे लाल। सब लोग लाइक करो, एक बार फटाफट लाइक करो ताकि हम अगले स्टेप पे बढ़ सकें। ये डिसलाइक करने वाले कौन दुष्ट लोग आते हैं, उठा उठा के फेंक दे मन होता है। ठीक है, यहाँ चिल्लाते चिल्लाते टॉन्सिल्स दर्द करने लगते हैं, अभी 11 बजे तक और हमें चिल्लाना है। ठीक है मेरे लाल, बताओ आंसर। सब लोग लाइक करो, सबसे पहले क्वेश्चन तभी आगे खिसकाएंगे, क्वेश्चन तभी आगे खिसकेगा, पहले लाइक करो। हम भी अब तुम लोग से चालाक हो गए हैं,
घुट पर फार में चालाक हम भी हो गए हैं, तुम लोग हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हो। लाइक अच्छा मनस ज्योति, अब हम तुम्हारी भाषा पढ़ लिए हैं, इनको चाबुक से मारो, इनका बदला हम नहीं मेरे लाल, इनका बदला यमराज लेंगे। ठीक है, वहां ले जाएंगे, कहेंगे तुमने पोरवाल सर की क्लास को डिसलाइक किया था। लाइक कब इले शू, इसका मतलब क्या? अच्छा लाइक कर चुके हो तो ये बात है। तो भाई देखो भैया, सब लोग बताओ लाइक हो गया नहीं हो गया, देखते हैं मेरे लाइक कहाँ। अभी लाइक हुआ, 19 लोग जुड़े, 13 लोग लाइक, कमाल हो गया भैया। सर ऑप्शन हिंदी में भी नहीं लाया गया, लाइएगा हिंदी में भी लाएंगे मेरे लाल। चलो अब हम कोशिश करेंगे हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है अरक्त, अरक्त विकिरण का पता लगाने के लिए अरक्त तरंगों का पता किसने लगाया था? ठीक है, इंफ्रा रेडिएशंस आर डायरेक्ट डिटेक्टेड बाई पायरोमीटर, नैनोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो बताओ बच्चा, इंफ्रा रेड वेव जो है उनको किससे डिटेक्ट किया जा सकता है? इंफ्रा रेड वेव की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो आ गया है, करेक्ट आंसर सबसे पहला जो आया है, देख लेते हैं। सबसे पहला रोहित शर्मा का करेक्ट आंसर है। इसकी अगर बात करें तो ये एक प्रकार का फोटोमीटर होता है। फोटोमीटर की अगर बात करें तो ये क्या कहता है, इंफ्रा रेड वेव जो है उनको डिटेक्ट करने का काम करता है फोटोमीटर। ये इंफ्रा रेड को भी डिटेक्ट कर लेता है और अल्ट्रा वायलेट रेज को भी ये डिटेक्ट कर लेता है, पराश्रव्य तरंगों, सॉरी पराश्रव्य नहीं, पराबैंगनी किरणों को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ये दो तरंगों को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? फोटोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे लाल, लिखा है क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन है? क्रायोजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक्स की अगर बात करें तो वो क्या है बच्चा? तो क्रायोजेनिक्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 20 20 का सही जवाब। चलिए आंसर तो आ गया, लेकिन आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सबसे सही जवाब की अगर हम बात करें, पराग डबल लाइक गुड परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे बच्चा लो टेम्परेचर है। क्या है बच्चा? लो टेम्परेचर। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है? लो टेम्परेचर। ध्यान दीजिए तो लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर यानी कि इसमें जो फ्यूल होता है, इसमें प्रणोदक फ्यूल को बोला जाता है, रॉकेट में यूज होता है। हर रॉकेट में नहीं, एक होता PSLV, एक होता GSLV। GSLV रॉकेट जितने हैं सब में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, जिसमें प्रणोदक के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कमाल हो गया बच्चा। तो यहाँ पे GSLV जानते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है एंटमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें लिखित निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एंटमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, ठीक, इंसेक्ट्स, नन ऑफ दीज। सभी लोग बताओ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 21 तो बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले देखते हैं सही जवाब किसका आएगा। फिर भी सबसे पहले सही जवाब जो मुझे आया है वो किसका है? राउडी राजा का। एंटमोलॉजी को हिंदी में कीट विज्ञान कहा जाता है और इसमें बच्चा इंसेक्ट यानी कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको कीट विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कीट विज्ञान। एंटमोलॉजी, इंसेक्ट का स्टडी किया जाता है। बहुत अच्छे। नहीं भाई नहीं, परागद्वीप नहीं, मैंने दिया था, देखे परागद्वीप भैया, परागद्वीप परागद्वीप। लो टेम्परेचर होगा सर जी, 21 का मेरे लाल परागद्वीप तुम्हारा बाद में आया है। ठीक, कभी कभी यहाँ पे क्या होता, किस्मत भी काम आ जाती है, क्योंकि जो लोग पता चले क्या हमें आंसर बताया, जिसका पहले पहुंच जाता उसी का कैलकुलेट होता है। अगला क्वेश्चन, ये लोग गूगल कर रहे हैं, गूगल इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। नो सर दीप का है, गुड परफॉर्मेंस।
है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब, www.com, www.forval.in खोजते हो तो ये www वर्ल्ड वाइड जो पहले लिखा जाता वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसकी खोज टाइम देखते हैं। सबसे पहला सही जवाब क्वेश्चन नंबर 22, फिर से राउडी राजा का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में इसकी अगर बात करें तो टाइम, ठीक, टाइम वेनर्स वर्नेस ली जो थे, ठीक, टाइम वेनर्स ली, इनके द्वारा क्या किया गया था? वर्नर्स ली, टिम वर्नर्स भी इनको पढ़ सकते हो, कहीं कहीं टिम भी लिखा होता, टिम टाइम टिम ही पढ़ा जाता, टिम बर्नर्स ली, इन्होंने क्या किया था? वर्ल्ड वाइड की सबसे पहले खोज की थी, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। गुड परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर किसको मापता है? एन एनीमोमीटर मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ वाटर करेंट, स्पीड ऑफ सैटेलाइट। एनीमोमीटर से बच्चा क्या रिकॉर्ड किया जाता है, बोलो मेरे लाल? तो एनीमोमीटर से रिकॉर्ड करते हैं क्या? बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 23 सबसे पहला सही जवाब, सबसे पहला सही जवाब किसका है? राउडी राजा का है। तो स्पीड ऑफ विंड, हवाओं की जो गति रिकॉर्ड की जाती है, हवाओं की जो गति होती है बच्चा, वो गाना सुने, बहती हवा साथाओ, सुने? अच्छा, हवाओं की जो गति है, हवाएं जो बहती हैं उनकी गति को रिकॉर्ड करने का काम होता है एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन मेरे लाल, सब लोग देखो बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस। गाना हम गाते नहीं, कहीं गाना गाएं तुम लोग अपने अपने घर में बेहोश हो गए तो जिम्मेदारी कौन सा समूह लेगा? हम तो लेंगे नहीं, कि अब बाद में पता चले, रिसर्च में आया कि पता चले पोरवाल सर का गाना सुन के बेहोश हो गया हमारा बच्चा, इसलिए हम गाना नहीं गाते हैं कभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं भाई लगता है आपकी बार। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहले सही जवाब क्वेश्चन नंबर 24 का जो मिला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का अध्ययन कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसमें सबसे पहले प्रीति चौरसिया का आंसर आया पेडोलॉजी। क्या होता है पेडोलॉजी? पेडोलॉजी में मिट्टी का, मृदा का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह पता लगाया जाता है मिट्टी की क्षारीयता कैसी है, मिट्टी की अम्लता कैसी है। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखो, मॉन्कोलॉजी, मॉन्कोलॉजी क्या है? व्हाट इज द माइंड मार्मिकोलॉजी, मार्मिकोलॉजी होता वैसे मार्मिकोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लाइज, स्टडी ऑफ एंट, स्टडी ऑफ बीज, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का सबसे पहला करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला करेक्ट आंसर जी इंदिरा रेड्डी है। तो यहाँ पे अगर बात करें, सॉरी, यहाँ पे अगर बात करें तो बच्चा स्टडी ऑफ आंट, चींटियों का अध्ययन जो होता है, मधुरिया एमएसटी 24, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे चींटियों का अध्ययन जो होता है उसी को कहा जाता है क्या? चलिए भाई मान लेते हैं मधुरिया मेरे लाल, चींटियों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? मार्मियोलॉजी। चलते हैं भाई, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, यानी कि कल दोपहर 12 बजे आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, और आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। मधुरज्जा अब असली नाम ले लेते हैं, बहुत बहुत थैंक यू, गुड लक, थैंक्स, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट मेरे लाल, थक जाता हूँ बैठे बैठे। अब 7:45 पे जब बैठता हूँ तो 11 बजे ही सीधे उठता हूँ। कब उठता हूँ बच्चा? 11 बजे मेरे लाल, बहुत अच्छे, कमाल ही हो गया, अब तो कमाल हो गया है। गुड नाइट, चलो भाई चलते हैं नया देखते।